गाइस अभी रास्ते पे चल रहे थे, हमें थोड़ी सी भूख लग गई। हमने कहा यहाँ पे ये कौन सा कबाब रोल दे रहे हैं, वेज कबाब, नाम कबाब है पर है वेज, तो यहाँ पे कबाब रोल खाएंगे। जैसे मशहूर है यहाँ की कबाब रोल, तो टेस्ट करते हैं। चलिए दो मिनट में तैयार हो गया रोल, कढ़ाई को उल्टा करके रोल बना रहे हैं रुमाली रोटी की तरह। तो भैया ये रोल हो गया, ये रोल है, एकदम टेस्ट अलग है रोल, वेज रोल एकदम टेस्ट अलग, दाल का टेस्ट आ रहा है, सोयाबीन का टेस्ट आ रहा है, एकदम डिफरेंट अच्छा है। ये आपको दिल्ली में बहुत कम ही मिलेगा, शॉपिंग वगैरह में ज़्यादा है भी नहीं दिल्ली में, तो चाउमीन रोल, एग रोल, चिकन रोल, लेकिन यहाँ कबाब रोल, वो भी वेज, वेज कबाब रोल। कितने का? 10 से 12 रुपये का, और सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 रुपये का। तो गाइस काफ़ी लंबी दूरी की ड्राइव करके, बाइक राइड करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये जो कुंड देख सकते हैं आप, एक ये जो कुंड है ये नेमिस नाम से है फेमस, और ये क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच, ये पृथ्वी के बीचों बीच जो जैसे है, बॉल हो गई, बॉल के अंदर बीचों बीच की जगह। हाँ, तो पृथ्वी जैसे एक बॉल हो गई, अब बॉल के अंदर की जो बीचों की चीज जगह है ये वहाँ से टच होती है। तो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं, और यहाँ पे पूजा भी होती है, मंदिर भी हैं, जैसे कि मैं पीछे से दिखाता हूँ, बैक साइड में देख सकते हैं, सामने मंदिर है, सामने मंदिर है। यहाँ पे लोग नहा के इसके राउंड लगा के और अपनी पूजा करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए भी, नहाने के लिए भी, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ एक बार यहाँ का व्यू आपको, ये मंदिर है सामने, ऑफर आए हुए सर आपने। तो गाइस हम अभी यहाँ कुल्हड़ वाली चाय पी रहे थे, जैसे कि मैं और रामिंदर, और ये भैया बता रहे हैं कि ये जो कुंड है ये ब्रह्मा जी का चक्र है, और चक्र के जो बीच में गोला है वो 6.5 पताल अंदर नीचे गहरा है। और यहाँ की खासियत बात ये है कि ये जो चक्र है कुंड, ये काफ़ी समय से, प्राचीन काल से ही है, भगवान के टाइम से ही। और क्या बताए थे भैया, 6.5 पताल नीचे पृथ्वी के बीचों बीच, वो भी पृथ्वी के बीचों बीच है काफ़ी टाइम। और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे उत्तराखंड, जैसे हमारी सामने गाड़ी उत्तराखंड की गाड़ी है ये, तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, बहुत अच्छी फेमस जगह है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने पाप धोते हैं नहा नहा के। और भी बता रहे थे पिछले साल एक दरोगा आया था, तो वो दरोगा नहाते टाइम अंदर बीच में कूदा तो वो गिर गया, और जब बॉडी निकाली गई तो वो मृत पाया गया था, क्योंकि उसे तैरना आता नहीं था। और ये अंदर इतना गहरा था, जैसे मैंने बताया 6.5 पताल नीचे, तो सोच लो कितना गहरा होगा, और पृथ्वी के बीचों बीच के हैं ये, है ना भैया। तो ठीक है, आप भी आइए कभी घूमिए,
और याद रखिए अंदर ना कूदिए, बाहर ही बाहर ना आइए, जो भी अपने पाप धोने सब कुछ करने। सो गाइज आप देख सकते हैं ये खाटू श्याम मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर में हम आ गए हैं, अब अंदर जाते हैं हम। तो गाइज कल की वीडियो में आपने देखा होगा हम गोमती नदी पे थे, तो ये भी गोमती नदी है पर हम हैं किसी दूसरे ब्रिज पे। तो आज हम गए थे जैसे क्या गए थे, नेमिस गए थे हम, जैसे नीमसार मंदिर जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो रास्ते में एक ये भी ब्रिज पड़ता है, देख लीजिए कितना सुंदर है, व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ से देखिए मेरे सामने से, मैं अपनी नंगी आंखों से जो देख रहा हूँ आप कैमरे से नहीं देख पाएंगे, मैं बताऊँ लेकिन आपको इतना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हवा आ रही है, धूप भी इतनी नहीं है, यहाँ पे मौसम भी इतना हो रहा है। तो इसी सुहावने मौसम के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, और कमेंट में आप जो कहना चाहते हैं जो पूछना चाहते हैं ज़रूर करिए। और बस आपका एक ही काम है, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, तो बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे बाय बाइक। तो वो वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी जिससे आप मेरी वीडियो देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।